Recession adds to the अभी डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स आने से पहले लेट्स लुक एट यूएस ट्रेजरी आपको याद होगा यहां पर जब था इस डेट पे ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर यहाँ पे दो बैक टू बैक लोअर हाइज बनाया हुआ था इवन कल का भी था कल का जो एनालिसिस था वहां पर भी ये कंटिन्यूसली और एक लोअर लो लोअर हाई बनाया हुआ था सो कंटिन्यूसली लोअर हाई बना रहा था और यहाँ पे जो ये लो था इसके लो के नीचे क्लोज देना था स्ट्रॉन्ग क्लोज ताकि ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बन जाए सो इट्स अ फैंटेस्टिक प्राइस एक्शन अभी यहाँ पे ये कंटिन्यू होना चाहिए एंड एट एनी कॉस्ट ये जो है आपका ये आपका फोर पॉइंट नाइन फोर इसके ऊपर आने वाले समय में क्लोज नहीं देना चाहिए एल्स ये जो डिस्ट्रॉ कर जाएगा अभी ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के कारण सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो so, अभी कमिंग बैक टू डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स में हमारा एक रेंज था ऊपर की तरफ 106.80 से 107.00 एंड नीचे की तरफ 105.40 से 105.60 कल ड्यूरिंग द डे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा था बट आफ्टर द एफएमसी रेट डिसीजंस ये नीचे आ चुका है अगेन ये जो रेंज कंसोलिडेशन जोन के अंदर में आ चुका है अभी हमें इंतजार है क्या इंतजार है कि इस लो के नीचे कौन सा लो आपका 23 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर के लो के नीचे प्राइस क्लोज दे तो क्या होगा यही होगा कि ये भी लोअर है लोअर लो फॉर्मेशंस में आ जाएंगे आफ्टर फ्रॉम ये जो जुलाई फोर्टीन जुलाई ऑनवर्ड ये एक रैली दिया हुआ है डॉलर इंडेक्स में उसके बाद अगर ये थर्ड ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी अक्टूबर के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इन सच केस ये पॉज आएंगे ये पॉज मीन्स ये जो अप का पॉज आएगा एंड मार्केट विल ग्रेजुअली स्टार्ट सो ये हमें अभी इंतजार रहेगा डॉलर रुपी कल ऊपर तरफ जा रहा था 83 30, 32 लेवल्स में लेकिन आज थोड़ा सा फिर अगेन नीचे की तरफ आ चुका है कारण थ्री ट्वेंटी के आसपास है सो वही कंसोलिडेशन जारी है कंसोलिडेशन होने देते हैं उसके बाद ही हम कुछ करेंगे लेकिन हमें केयरफुल

जीरो इसके हाई के ऊपर स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो यूरो डॉलर सिमिलरली ये जो कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना रहा है हमें अभी इंतजार है ये चौबीस अक्टूबर के हाई के ऊपर जाना एंड एट एनी कॉस्ट ये आपका थर्टीन अक्टूबर के लो के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए यूरो आईन में भी सिमिलर कैलकुलेशन इसको अगर ऊपर जाना है तो आपका 13th अक्टूबर के लो के नीचे जाना नहीं चाहिए एंड 31st अक्टूबर के हाई के ऊपर एक स्ट्रांग क्लोज देना है तो क्या होगा ये हायर हाई लो फॉर्मेशंस करेगा एंड इन such a case मार्केट ये जो 14th जुलाई से एक शार्प डाउनफॉल आया इसके बाद ये प्राइस रिवर्स करना चालू करेंगे डॉलर येन डॉलर येन जो है कल परसों काफी स्पेशली डे बिफोर आपका

एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखे हैं आपका एंड करेंटली इट इज एट 85.7 फॉर ये ब्रांड कोड फ्यूचर है सो so, अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है आपका 83.84.00 83 80 से 84.00 क्या यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है या ब्रेक करता है यहां पे अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो ज्यादा डैमेज कर नहीं पाएगा क्योंकि काफी दूर से ये आ रहा है यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद अगर नीचे ब्रेक करते हैं इन सच केस एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस ट्रेजरी ये जो डेली प्राइस सेक्शन है ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में आ चुके हैं दैट केस सेल ऑफ टिक्स मे बी कंसिडर्ड यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन है ये नहीं बोलूंगा कि ये ट्रेजरी एल्स नीचे आना चालू हो गया ये दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन अभी ये कुछ समय के लिए अभी तो ये डेली बेसिस में दिया हुआ शो किया है अभी वीकली बेसिस में दिखाना है वीकली बेसिस में लोअर हाई लोअर लो दिखाना है देन सबसीक्वेंटली मंथली बेसिस में लोअर हाई लोअर लो दिखाना है तब जाके ये अपना जो मींस स्ट्रेंथ uh, है वो लूज करेगा यहां पे तो ये ट्रेजरी देखिए ट्रेंड लाइन को कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे आया अभी छोटा सा एक छोटू सा पिन बार बनाया हालांकि अभी स्टार्ट ऑफ द डे है अभी कुछ काफी कुछ दिन समय बाकी है थोड़ा डे तो इसको अगर फर्दर नीचे जाना है ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रांग कैंडल क्लोज देना है यहां पे ऑलरेडी देखिए एक दो दो बार थर्ड टाइम नियर बाय आ चुका था सो यहां पे आपको ब्रेक डाउन करना है तो स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल बनाना है सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही एंड ओवरऑल जो करंट करेंसी एनालिसिस इन एनअर्शल डॉलर इंडेक्स दोबारा ये रेंज के अंदर में आ चुका है कौन सा रेंज 108.85 107.00 ऑन द हायर साइड एंड 105. .2. 40105.60 इस रेंज के अंदर में आ चुका है कौन से डायरेक्शन होने देते हैं अभी इंतजार रहेगा कौन सा साइड में स्ट्रांग ब्रेक आउट करते हैं आइदर ऑन द हायर साइड ब्रेक आउट करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं दिल है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे लेकिन देखते हैं मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर बेस आउट करके दोबारा ये ऊपर जाने का कंसोल ट्राई कर रहा है आज बी ओ का रेट डिसीजन से एक्सपेक्टेशन यही है कि फेड लाइन पे ही फेड के लाइन पे ही पॉज रखा जाएगा फिर भी हम देखते हैं क्या होता है यूरो डॉलर में भी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है अभी आपका 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर स्ट्रांग क्लोज देना है अगर इसको ऊपर जाना है तो डॉलरियन में थोड़ा सा बैक टू बैक दो दिन सेल ऑफ हमने देखे है। अभी यहाँ पे एक

प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे एट